वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं समास। समास के बारे में जानेंगे हम लोग, ये क्या होता है। आपके 9th क्लास के 3rd यूनिट प्लान में आपका समास है डीबीएससी में, और 10th क्लास में भी समास है सीबीएसई में। 9th में 10th में दोनों जगह आपका बहुत काम आता है, तो चाहे आप 9th में है या 10th में है, आपको समास का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए बेटे। समास कहते हैं किसे, क्या होता है समास? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। यानी कि दो शब्द होते हैं, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं, और उनका अपनी आप में कुछ मीनिंग होता है। जब वो जुड़ते हैं या बीच में से कुछ शब्द गायब हो जाते हैं, इस तरीके से समास बनता है। समास का वर्ड मीनिंग अगर देखा जाए तो होता है संक्षिप्तीकरण, से किसी चीज को प्रिसाइज करना, किसी चीज को छोटा करना। इसे दूसरे रूप में संक्षेप या संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। इसके शाब्दिक अर्थ से ही पता चलता है कि ये शब्दों को संक्षिप्त करने की कोई व्याकरणीय प्रक्रिया है, यानी कि शब्दों को प्रिसाइज करने का ही तरीका है, किसी फ्रेज को छोटा करने का तरीका है। आपने बचपन में किए भी होंगे एक वाक्य के लिए एक शब्द, तो एक तरीके से वही होते हैं समास। जब दो या दो से ज्यादा शब्दों के संयोग से, यानी कि जुड़ने से, एक नया सार्थक शब्द बनता है, मतलब दो मीनिंगफुल शब्द बने, दो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, वो जुड़ करके कोई एक नया मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं, उसे समास कहते हैं। दो या ज्यादा शब्द हो सकते हैं तो इनको जोड़ करके जो रचना होती है उसे समास कहते हैं। समास के द्वारा कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ व्यक्त करने की कोशिश की जाती है, यानी कि कम शब्दों में ज्यादा मीनिंग बताने की कोशिश की जाती है। जैसे अगर आप बोलेंगे विद्या के लिए आलय, तो वो बनेगा विद्यालय। जैसे देश के लिए भक्ति, समास शब्द बनेगा देशभक्ति। गिरि को धारण करने वाला, समास शब्द बनेगा गिरिधर। कर्म से वीर बन जाएगा कर्मवीर। ये इसके उदाहरण है समास के। समास के कौन कौन से पद होते हैं? समास में दो पद होते हैं। जैसे कोई भी सामासिक शब्द होगा, उसको जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें आपको दो शब्द मिलते हैं। पहला पद जो होता है वो पूर्व पद कहलाता है, बाद का पद उत्तर पद कहलाता है। जब समास जो शब्द है, सामासिक शब्द है, उसको आप संधि विच्छेद कर देते हैं, उसको टुकड़ों में बांट देते हैं, दो मीनिंगफुल वर्ड्स में दोबारा से उसको वाई फॉरगेट कर देते हैं, तो जो पहला शब्द आता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और बाद में तीसरा पद आता है। वैसे तो एक तीसरे प्रकार के सहायक पद भी होते हैं, लेकिन उनका ज्यादा महत्व तो नहीं होता है, इसलिए उनके बारे में अलग से नहीं बताया जाता है। तो समास के यानी कि दो पद होते हैं सामासिक शब्द के, पूर्व पद और उत्तर पद, या फिर बाद वाला पद। यानी कि किसी भी सामासिक शब्द में जो पहले शब्द जो तोड़ने पर जो आता है वो पूर्व पद होता है, और बाद वाला उत्तर पद होता है। जब समास के नियमों के अंतर्गत दो या अधिक शब्दों के संयोग से एक स्वतंत्र शब्द प्रकट होता है, तो इस स्वतंत्र शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, उसे समस्त पद भी कहा जाता है। सामासिक शब्द को समस्त पद भी कहा जाता है बेटे। सामासिक शब्द बनने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। विभक्तियां कहते हैं ने, को, के द्वारा, के लिए, से, का, के, की, में, पर, ये सारे के सारे विभक्तियों के चिन्ह होते हैं, ये सब गायब हो जाते हैं। समास के बेटे 6 भेद होते हैं, आपको ये सब याद होने चाहिए। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीही समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। चलिए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास, जिस समास में अंतिम पद यानी कि उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी कि जो बाद वाला शब्द होता है सामासिक पद में, जो बाद वाला शब्द होता है उस वो मेन होता है, उसका प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके साथ प्रथम पद विशेषण या द्वितीय पद विशेष्य होते हैं। तो पहला पद जो होता है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा होता है। पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है आमतौर पर। जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च, रसोई घर, रसोई के लिए घर,
यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे कि जो कारक चिन्ह होते हैं वो गायब हो जाते हैं तत्पुरुष समास में। कोई ना कोई कारक चिन्ह जरूर होता है तत्पुरुष समास के अंदर। कारक चिन्ह क्या क्या होते हैं? पहले तो जो आपके कारक क्या क्या होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये आपके कारक होते हैं। इनके चिन्ह कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा वाला से होता है, और संप्रदान के लिए को और के लिए होता है, अपादान के लिए से यानी कि अलगाव, किसी कोई चीज दूर जा रही है उसके लिए होता है, संबंध में का के की या लास्ट में रा रे री जैसे मेरा मेरी तुम्हारा तुम्हारी में आता है वो होता है, अधिकरण में या पर होता है, और संबोधन जो होता है वो हे अरे हो होता है। तो संबोधन जो होता है वो समास में उसका कोई यूज नहीं होता है। बाकी ये सातों विभक्तियां, सातों के सातों कारक, इनके चिन्ह कारक जो होते हैं वो समास पद में गायब हो जाते हैं। अब तत्पुरुष समास के भी छह भेद होते हैं इसी तरीके से सेम, जैसे ये छह आपके जो ये हैं जो छह आपके कारक चिन्ह हैं उन्हीं की तरह से छह उन्हीं के नाम पर ही आपके समास होते हैं। कर्म पुरुष देखिए, कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, अपादान तत्पुरुष होता है, संबंध तत्पुरुष होता है और अधिकरण तत्पुरुष होता है। कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है और संबोधन तत्पुरुष नहीं होता है। बाकी जो छह बीच के होते हैं पहला और आखिरी कारक चिन्ह छोड़ दिए जाते हैं, बाकी दूसरे से लेकर के आठवें तक जो छह बचते हैं वो सभी के सभी कारक चिन्ह कोई ना कोई तत्पुरुष समास बनाते हैं, और उसका नाम वही होता है जो कारक चिन्ह का होता है। यानी कि कर्म समास जो होगा उसका बनेगा कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म समास का जो कि विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है को, कर्म को, तो को का जहाँ लोप होता है, को जहाँ गायब होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जहाँ संप्रदान या करण यानी कि के द्वारा किसी चीज से या के द्वारा का जो लोप होता है कोई गायब होता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। संप्रदान के लिए, अपादान के लिए इसी तरीके से होता है, जैसे संप्रदान के लिए आएगा के लिए का, जब विद्यालय के लिए घर, विद्या के लिए आलय, तो उसमें हो गया संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ के लिए का गायब जो है वर्ड है वो गायब हो रहे हैं। अपादान कोई चीज से दूर जा रही है, से शब्द का गायब होता है तो अपादान तत्पुरुष होता है। संबंध में का के की रा रेडी गायब होते हैं तो संबंध पुरुष होता है, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में पर का गायब जब चिन्ह होते हैं गायब होते हैं तो अधिकरण तत्पुरुष होता है। अब कर्म तत्पुरुष मन को हरने वाला मनोहर, वन को गमन वन गमन, नर भक्षी नरों का भोजन करने वाला, नरों को खाने वाला, नर को भक्षण करने वाला, गगन चुंबी गगन को चूमने वाला, एक कर्म तत्पुरुष है। सभी में आप देखिए को शब्द गायब हो रहा है, एक कर्म तत्पुरुष है। करण तत्पुरुष रक्त रंजित, रक्त द्वारा रंजित या रक्त से रंजित, रेखांकित रेखा के द्वारा अंकित या रेखा से अंकित, शोकाकुल शोक से आकुल, प्रकाश युक्त प्रकाश से युक्त, गुण युक्त गुण से युक्त। क्योंकि कर्ण का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से होता है, तो यहाँ से गायब हो रहा है, इसलिए ये कर्ण तत्पुरुष समास है सारे के सारे। अगला होता है संप्रदान तत्पुरुष, विद्या के लिए आया, के लिए का इसमें जो है गायब होगा संप्रदान में, गौशाला गायों के लिए शाला, देवालय देवता के लिए आलय, रणभूमि रण के लिए भूमि, धर्मशाला धर्म के लिए शाला, तो के लिए जो है वो संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह होता है, तो जब वो गायब होता है तो संप्रदान तत्पुरुष आ जाता है। अपादान में से शब्द और वो चीज दूर जा रही होती है, से शब्द गायब होता है, ऋण से मुक्त ऋण मुक्त, देश से निकाला हुआ देश निकाला, जाति से भ्रष्ट जाति भ्रष्ट, सेवा से निवृत्त सेवा निवृत्त, धर्म से विमुख धर्म विमुख, ये सारे के सारे आपके समास चल रहे हैं बेटे। संबंध तत्पुरुष जो होता है उसमें का के की शब्द गायब होते हैं, गंगा जल गंगा का जल, देशवासी देश का वासी, राष्ट्रपति राष्ट्र का पति, सेनापति सेना का पति, और मतदाता मत का दाता यानी कि मत देने वाला, ये सारे के सारे संबंध तत्पुरुष होते हैं जिनमें का के की गायब होते हैं। अगला है अधिकरण तत्पुरुष, आत्मनिर्भर आत्म पर निर्भर, पर शब्द या में शब्द गायब होते हैं,
वनवास वन में वास, जीव दया जीवों पर दया, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, घुड़सवार घोड़े पर सवार, ये अधिकरण तत्पुरुष होता है। तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास खत्म। अब आता है कर्मधारय समास। जिस समास में सभी शब्दों का भाव समान रूप से हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब पहला जो पद है वो भी इम्पोर्टेंट है, बाद वाला पद है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी शब्दों का चाहे वो विशेषण हो या विशेष्य, सभी की प्रधानता होती है। इन शब्दों के लिंग और वचन भी समान होते हैं आमतौर पर। जैसे महाराजा, महान है जो राजा। हस्तकमल, कमल के समान है जो हाथ। मीनाक्षी, मीन के समान है जो अक्षी या आंख। मुख, कमल कमल के समान है जो मुख। तो मुख की भी इम्पोर्टेंस है और कमल की भी इम्पोर्टेंस है। यहाँ मीन की भी इम्पोर्टेंस है और आंख की यानी कि अक्षी की भी इम्पोर्टेंस है। कमल के समान है जो हाथ, उसमें हाथ की भी इम्पोर्टेंस है और कमल की भी है। महाराजा, महान है जो राजा, महान की भी इम्पोर्टेंस है और राजा की भी इम्पोर्टेंस है। तो ये कर्मधारय समास होते हैं। अल्पसंख्यक, अल्प है जो संख्या में। महेश्वर, महान है जो ईश्वर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। महानवमी, महती है जो नवमी। और अधभरा, आधा है जो भरा हुआ। ये कर्मधारय समास के उदाहरण है बेटे। और है थोड़े से, कुसुम कोमल, कुसुम के समान है जो कोमल। वज्र कठोर, वज्र के समान है जो कठोर। हस्त कमल, कमल के समान है जो हाथ। मीनाक्षी, मीन के समान है जो अक्षी। सुख कमल, कमल के समान है जो सुख या मुख। और उदाहरण है शोक सागर, सागर रूपी शोक, शोक के समान है जो सागर के रूपी है जो शोक। क्रोध अग्नि, अग्नि रूपी क्रोध यानी कि अग्नि के समान है जो क्रोध। वेद संपत्ति, वेद रूपी संपत्ति। तारा घट, तारों के समान है जो घट। विद्या धन, विद्या रूपी धन। ये सारे के सारे कर्मधारय समास होते हैं। कुमार्ग, कुत्सित है जो मार्ग। कदाचार, कुत्सित है जो आचार। कदन्न, कुत्सित है जो अन्न। का पुरुष, कुत्सित है जो पुरुष। सुपुत्र, सु है जो पुत्र या सुष्टु है जो पुत्र। तो ये सारे के सारे विशेषण और विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो विशेषता बताई जा रही है वो भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा समास होता है द्विगु समास। तीसरा, पहला हमने तत्पुरुष समास किया, दूसरा हमने कर्मधारय समास किया, तीसरा है द्विगु समास। जिस समास एक पद का पहला पद यानी कि पूर्व पद कोई गिनती हो यानी कि संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगुवाचक कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे 5, 7, 10, 11, 4, 3 कुछ भी गिनती हो वो द्विगु समास होता है। उदाहरण, यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद संख्यावाचक शब्द हो एवं द्वितीय पद संज्ञा शब्द हो तब समस्त पद समूह का बोध करवाए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। वही बात मैंने अभी अभी आपको बताई, द्विगु समास का समास विग्रह करते समय दोनों पदों को लिखकर अंत में का समूह या का समाहार लिखा जाता है। जैसे षड ऋतु यानी कि 6 ऋतुओं का समाहार। दोराहा, इसके उदाहरण हम लोग पढ़ रहे हैं द्विगु समास के। दोराहा यानी कि दो राहों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। समाहार निश्चित कलेक्शन। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। भुवन त्रय यानी कि 3 भुवनों का समाहार। और उदाहरण है द्विगु समास के, पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। शतक, 100 का समाहार। दशक, 10 का समाहार। और है नवरात्र, 9 रातियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सत्सई, 700 का समाहार। तो ये सभी के सभी द्विगु समास के उदाहरण थे जिनमें गिनती आती है पहले। और है पंचमूली यानी 5 मूलों का समूह। शताब्दी यानी कि 100 अब्दों का समूह या 100 वर्षों का समूह। दशाब्दी यानी कि 10 वर्षों का समूह। अष्टाध्यायी या 8 अध्यायों का समूह। ये था आपका द्विगु समास। षडमुखी, 6 मुखों का समूह। सहस्राब्दी, 1000 शब्दों का यानी कि वर्षों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। तो समास पद में गिनती आती है तो द्विगु समास कहलाता है। अगला है बहुव्रीहि समास। यदि किसी सामासिक पद में प्रयुक्त प्रथम एवं द्वितीय पद अपना मूल अर्थ खोकर अन्य अर्थ स्पष्ट करने लगे तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। मतलब पहला पद है उसका कुछ मीनिंग है, दूसरे पद का भी अपना कुछ मीनिंग है, लेकिन दोनों साथ में जुड़े तो
कुछ और ही अर्थ बताने लग गए तो ये बहुव्रीहि समास होता है। जैसे इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, प्रधान कोई सा भी नहीं है, इंपॉर्टेंस किसी की भी नहीं है, किसी तीसरे की ही इंपॉर्टेंस ये बता रहे होते हैं। इस पद में, इस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, यानी कि अन्य पद जो आप बोल रहे हैं वो जुड़ करके शब्द कोई और ही मीनिंग बता रही हैं और वो प्रधान होता है। इस समास के सामासिक पद का समास विग्रह करते समय पूर्व एवं पर मध्य के मध्य जो जिसकी जिसके इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्द इस्तेमाल होते हैं विग्रह करते टाइम जो, जिसका, जिसकी, जिसके। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, यानी कि शिव जी। उमेश, उमा का है ईश जो, यानी कि शिव जी। शूल पानी, शूल है पानी में जिसके, वो भी शिव जी। और तिरंगा, तीन है रंग जिसमें राष्ट्रध्वज। ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस हो जाते हैं, जैसे गजानन, दशानन, है ना, दस है सिर जिसके, तो पर्टिकुलर रावण के लिए ही फेमस है, इसलिए उसे बहुव्रीहि समास कहा जाएगा। चंद्रशेखर शिव को कहा जाता है तो ये बहुव्रीहि समास होगा। तिरंगा आपको पता है हमारे नेशनल फ्लैग को हम तिरंगा कहते हैं, तो ये भी हमारा जो है बहुव्रीहि समास होगा। अगला है उदाहरण त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, यानी कि शिव जी। आशुतोष, आशुज हो जाता है जो तोष, यानी कि शीघ्र जो संतुष्ट हो जाता है, यानी कि शिव जी। चंद्रमौली, यानी कि चंद्र है मौली पर जिसके, मौली यानी कि माथे पर, वह है शिव जी। और चंद्रचूड, चंद्र है चूड़ा पर जिसके, यानी कि शिव जी। ये बहुव्रीहि समास है, इसके उदाहरण। और शाखा मृग, शाखा पर दौड़ता है जो मृग। वक्रोधर, वक्र है उदय जिसका, यानी कि गणेश। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश। दिनेश, दिन है ईश जो, वह है सूर्य। कुछ सामासिक पद ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक समासों के गुण होते हैं। इस स्थिति में सर्वप्रथम बहुव्रीहि समास को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे हमने कहा त्रिदेव, अब त्रिदेव में पहला पद तो त्रि यानी कि गिनती है, लेकिन त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए फिक्स हो चुका है, इसलिए इसे हम बहुव्रीहि समास ही कहेंगे। कोई ऐसी जगह आ जाए जहाँ पर आपको लगे कि द्विगु समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है, तो वहाँ आप बहुव्रीहि समास लिखेंगे, द्विगु समास गौण हो जाएगा, द्विगु समास को आप नहीं लिखेंगे बेटे। जैसे पीताम्बर, बहुव्रीहि समास है वैसे तो पीताम्बर, लेकिन कर्मधारय समास भी है, पीले हैं अम्बर जिनके, है ना। नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका, लेकिन ये बहुव्रीहि समास के लिए ही फेमस रहेगा। दशानन, द्विगु समास है लेकिन बहुव्रीहि समास में ही काउंट होगा। अब आगे आता है द्वंद्व समास। समास का वह रूप जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आजकल, यानी कि आज और कल, अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा, या फिर अच्छा और बुरा, आगा पीछा, यानी कि आगा और पीछा, नीचे ऊपर, नीचे और ऊपर, दूध रोटी, यानी कि दूध और रोटी, ये द्वंद्व समास होते हैं। आमतौर पर इनके बीच में हाइफन लगा हुआ होता है, जैसे डैश होता है छोटा सा ही लगा हुआ मिलता है आपको, और नहीं भी होता है कई बार। द्वंद्व समास शीतोष्ण है, शीत और उष्ण, सुरासुर, सुर असुर, धर्माधर्म यानी कि धर्म अधर्म, जल वायु यानी कि जल और वायु, ये सारे के सारे द्वंद्व समास हैं। तेरा मेरा यानी कि तेरा और मेरा, अन्न जल यानी कि अन्न और जल, दाल रोटी यानी कि दाल और रोटी, अपना पराया यानी कि अपना या पराया, या अपना और पराया। कृष्ण अर्जुन यानी कि कृष्ण और अर्जुन, शस्त्रास्त्र यानी कि शस्त्र और अस्त्र, शीता तप यानी कि शीत या आतप, यश अपयश यानी कि यश या अपयश, ये सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण थे बेटा। आगे हम कर रहे हैं अव्ययी समास, इसमें पहला पद जो होता है वो पूर्व पद प्रधान हो या पहला पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव कहते हैं, मतलब पूरा मिलकर के वो क्रिया विशेषण शब्द बनाता है, तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। किसी सामासिक पद में प्रथम पद उपसर्ग या प्रत्यय हो तो उसे भी अव्ययी समास ही माना जाता है, मतलब कोई ऐसा सामासिक पद है जिसमें पहला जो शब्द है वो उपसर्ग या अव्ययी है तो उसे सामासिक शब्द ही माना जाता है। अव्ययी भाव समास में समस्त पद अव्यय के भाव का बोध कराता है, मतलब पूरा का पूरा जो पद मिल जाता है वो पूरा का पूरा किसी अव्यय का बोध कराता है, कोई फेमस चीज को बताता है वो, या कई बार फेमस नहीं भी होती है, अर्थात समस्त पद को लिंग या वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे आ प्लस जन्म यानी कि आ जन्म, इसे आप लिंग या वचन के आधार पर जो है चेंज नहीं कर सकते। अव्ययी भाव समास में समस्त पद प्रधान होने का अर्थ है कि प्रथम पद सदैव अपरिवर्तित रहता है। अव्ययी भाव समास में अव्यय उपसर्ग जो अव्यय के समान होता है सदैव संज्ञा के साथ जुड़ता है।
दूसरा पद जो है वो जुड़ जाता है, पहला पद हमेशा अपरिवर्तित होता है, पहला पद बदलता नहीं है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद समाप्त हो सब जो है सब प्रधान होता है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जिनमें द्वितीय पद प्रधान हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे विवाहोपरांत, जैसे कि विवाह के उपरांत, मृत्युपरांत यानी कि मृत्यु के उपरांत, विवाहितर यानी कि विवाह से इतर, और है यथामति यानी कि मति के अनुसार, यथासंख्य यानी कि संख्या के अनुसार, यथा योग्य यानी योग्यता के अनुसार, आजन्म जन्म रहने तक, जन्म लेने के बाद सारी जिंदगी, अकारण बिना कारण के, प्रत्यारोप आरोप के बदले आरोप लगाना, प्रति सहस्र मतलब कि हर सहस्र पर, और निरोग यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे कोई रोग नहीं है निरोग है। अव्ययी भाव समास के उदाहरण है आमरण मरण तक, घर घर यानी कि घर ही घर, रातों रात यानी रातों ही रात में, धड़ा धड़ यानी कि धड़ ही धड़, और उदाहरण लापता पते के बिना, यथासंभव यानी कि संख्या, यथासंख्या यानी कि संख्या के अनुसार, यथा योग्य यानी योग्यता के अनुसार, और आकंठ यानी कि कंठ तक। और थोड़े से उदाहरण यथामति यानी कि मति के अनुसार, सेवार्थ यानी कि सेवा के लिए, ज्ञानार्थ यानी ज्ञान के लिए, यथा रुचि यानी रुचि के अनुकूल या रुचि के अनुसार। अव्ययी भाव समास जो होता है उसकी पहचान कैसे करेंगे? अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें पहला पद प्रधान रहता है हमेशा, और समासिक पद अव्यय होता है, जैसे कि अनु आ प्रति यथा भर हर, ऐसे शब्द होते हैं जिनसे वो अव्ययी भाव समास वाले शब्द शुरू होते हैं। अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए इन्हीं प्रथम पद अव्ययों को देख लेना होता है, जैसे अनु आ प्रति यथा भर हर इत्यादि शब्दों को भी देखना चाहिए। शब्द कहीं दिख रहे हैं तो वो अव्ययी भाव समास है। अब तत्पुरुष समास की पहचान है थोड़ा सा, दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं बेटा। जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, और प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद आमतौर पर विशेष्य होता है, जैसे कि रसोई के लिए घर, रसोई घर। दूसरा है कर्मधारय, जिस समास में सभी शब्दों का भाव समान रूप से हो उसे कर्मधारय कहते हैं। इसमें सभी पदों का, चाहे वो विशेषण हो या विशेष्य, सभी पदों की प्रधानता होती है, अतः इन शब्दों के लिंग और वचन भी समान होते हैं। द्विगु समास, जिसमें समासिक पद का पहला शब्द जो है संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु कहते हैं। बहुव्रीहि समास, समास के वे संयोग जिसमें रचित शब्द का कोई भी पद प्रधानता नहीं रखता है उसमें बहुव्रीहि समास कहा जाता है। लेकिन ना प्रथम पद जो है वो इम्पोर्टेंट होता है ना उत्तर पद इम्पोर्टेंट होता है, दोनों मिलकर के कुछ नया ही शब्द बनाते हैं। ऐसे समासिक शब्द के दोनों ही पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद किसी तीसरे व्यक्ति, वस्तु या विषय की ओर संकेत करते हैं। अब यह द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास के दोनों ही पक्ष हमेशा प्रधानता व्यक्त करते हैं। ऐसे सामासिक शब्दों का यदि समास विग्रह किया जाए तो सहायक पदों के रूप में और या एवं शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे राधा और सीता, राधा और राम। जब समास में पूर्व पद की प्रधानता प्रकट हो लेकिन दूसरे पद समानता है अव्यय होते हैं तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर आपसे पूछा जा सकता है बेटा, दोनों की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। कर्मधारय मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और बहुव्रीहि की आगे है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही इसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करती है। यानी कि यहाँ पर आपको जो है ये बहुव्रीहि समास की पहचान बता दी गई है, इसके आधार पर भी आप पहचान सकते हैं बहुव्रीहि समास को। जैसे कि नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास है। नील कंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव। पीतांबर यानी कि पीला है अंबर, अंबर कहते हैं कपड़े को, तो पीला है जो वस्त्र वो पीतांबर, और पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, जिसका अंबर पीला है वो कृष्ण है, ये भी पीतांबर ही होता है। आगे कर्मधारय समास और द्विगु समास में, कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, आपने कोई पद पढ़ा तो उसमें एक पद गुणवाचक विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इनमें अंतर कर्मधारय और द्विगु में, कर्मधारय समास में असंख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त होता है जबकि द्विगु समास में संख्यावाचक विशेषण प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है प्रथम पद पर्याय संख्यावाची नहीं होता, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है।
तीसरा अंतर है, निबंध में समस्त पद समूह का बोध नहीं करवाता है, द्विगु समास में समस्त पद समूह का बोध करवाता है। आगे है दशानंद, त्रिदेव, नवग्रह, ये सारे के सारे दश प्लस आनंद, दस है सिर जस के, त्रिदेव तीन है जो देव, और नवग्रह नौ है जो ग्रह, ये इनके जो है शब्द परिचय हो जाएंगे। इसके बाद है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा विशेषण होता है, जबकि बहुव्रीहि में दूसरा पद ही विशेषण का काम करता है। पहला पद जो है विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा। जैसे आज मैं जा रही थी, हरी धनिया नहीं मिली, तो हरी तो हो गया आपका विशेषण और धनिया हो गई विशेष्य। तो जबकि बहुव्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है। बहुव्रीहि समास में तो पूरा का पूरा शब्द बन जाता है सामासिक पद, वो विशेषण का ही काम कर रहा होता है। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, द्विगु समास का उदाहरण है ये। और त्रिनेत्र तीन है नेत्र जिसके, अर्थात ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। संधि और समास में अंतर क्या होता है बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। संधि में वर्णों का मेल होता है, इसमें विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है। जैसे विद्या प्लस आलय, यानी कि ये हो गया विद्यालय। और बस बेटा इतना ही था, ये आपका 9th क्लास का सिलेबस में आपकी यही चीजें दी गई हैं, इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है बेटे। कहीं कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 9th क्लास का समास, 10th क्लास का समास आपका कंप्लीट हो चुका है। CBSE का भी और DBSE का भी, दोनों का ही समास हमने कंप्लीट कर लिया है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटे।